हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ले जा रहा हूँ शिलोंग के वन ऑफ द बेस्ट होटल में, जो कि है त्रिपुरा कैसल। और ये यहाँ का एंट्रेंस है, मेन गेट है। तो चलिए हम चलते हैं अंदर रिसेप्शन की तरफ। और आप देख सकते हैं रास्ता कितना सुंदर है रिसेप्शन तक जाने का। तो हम गाड़ी पार्क यहाँ पर करेंगे और आगे जो आपको दिखाई दे रहा है बिल्डिंग, वो एक्चुअली यहाँ का रिसेप्शन है। तो कम ऑन, लेट्स गो इनसाइड। तो गाइस ये है यहाँ का रिसेप्शन। और यहाँ पर आप बैठ के अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, चेक इन कर सकते हैं। और अगर आप काफ़ी टायर्ड होके आए हैं तो यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है जहाँ से आप फ्रेश होके कुछ खा पी सकते हैं। तो ये जो होटल है ये एक्चुअली 1920s में जो महाराजा ऑफ त्रिपुरा थे उस टाइम में, तो उन्होंने ये बनाया था अपने समर रिट्रीट के लिए। लेकिन इसे बाद में एक हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अभी हमने चेक इन कर लिया है यहाँ पे और अभी हम यहाँ से अपने रूम की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर आपको व्हीकल दिया जाएगा अपने रूम के लिए। हमारा जो रूम है वो गेट नंबर 4 से होके जाना पड़ता है हमें। और यहाँ पर गेट नंबर 4, 5, 6 इस तरह के काफ़ी सारे गेट्स हैं जो कि आपको रेस्टोरेंट और अलग अलग रूम्स की तरफ ले जाएगा। तो गेट नंबर 4 से हम अभी अपने रूम की तरफ चलते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ का जो एक छोटा पार्क है, बच्चों के लिए भी बहुत एक आइडियल प्लेस है ये फैमिली वेकेशन के लिए। तो काफ़ी सुंदर सा जगह है ये। ये जो बिल्डिंग है इसमें 4 रूम्स है, 2 ग्राउंड फ्लोर में और 2 फर्स्ट फ्लोर में। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई नहीं रह रहा है, तो एक बहुत ही शांति बना हुआ है। और ऊपर का जो फ्लोर है वो भी एम्प्टी है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर और मैं दिखाता हूँ आपको जो ऊपर का फ्लोर है कैसा है। तो गाइस हम पहुंच गए अपने रूम की तरफ, लेकिन मैं पहले आपको यहां से व्यू दिखाता हूं। यहां से पूरे शिलोंग का आपको एक बहुत ही प्यारा व्यू दिखेगा जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइस चलिए मैं आपको अपना रूम दिखाता हूं यहां से। ये रहा जो टीवी रूम है, यहाँ पे टीवी है, सोफ़ा है और ये मेन्यू है। और यहाँ का वॉल पे आप देख सकते हैं राजा महाराजा का पिक्चर। और हर रूम के साथ आपको अपना प्राइवेट बालकनी मिल जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा व्यू देता है। एंड हियर इज़ द बेडरूम गाइस। बहुत ही सिंपल है, एक बेड है, टेबल लैम्प, साइड लैम्प और ये मिरर यहाँ पे, एक कबर्ड। और ये रहा यहाँ का वॉशरूम जो कि बहुत ही बड़ा है, अच्छा है, मिरर क्लीन है, सब कुछ, सब फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, सोप्स, टूथब्रश, टूथपेस्ट, सब कुछ। और शावर में भी आपको शावर जेल, कंडीशनर, लोशन, इस तरह के हर चीज़ें आपको मिल जाएंगे यहाँ पे।
यहाँ से जो शिलोंग का व्यू दिखता है बहुत ही प्यारा लगता है और जितना भी देखे कम ही लगता है। तो गाइस चलिए अभी हम चलते गेट नंबर 7 से होके, हम अभी नाश्ता करने जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं मॉर्निंग को। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का रेस्टोरेंट कैसा है और खाने में क्या क्या मिलता है यहाँ पे। लेट्स गो। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी ब्रिटिश एरा वाला है, आप देख सकते हैं जो स्लोपिंग रूफ्स होते हैं और हर जगह आपको रूम में भी आपको वुडन फ्लोर ही दिखेगा, तो उस तरह का यहाँ का आर्किटेक्ट है। सो गाइस दिस इज द रेस्टोरेंट और चलिए अभी हम अंदर चलते हैं। कुछ खाने से पहले मैं आपको यहाँ का एक अच्छा खासा टूर दे देता हूँ कैसा है। ये 2 फ्लोर्स में है, ग्राउंड फ्लोर में सब नाश्ता पानी कर रहे हैं, ऊपर में भी बैठने के लिए अच्छी खासी जगह है। यहाँ पर काफ़ी सारे पेंटिंग्स है महारानी महाराजाओं का। और एक कंप्लीट मैप भी है त्रिपुरा का। एंड हियर इज़ द ब्रेकफास्ट गाइस, यहाँ पे बुफे लगा हुआ है मॉर्निंग को, तो आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं। तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं गाइस, उसके बाद मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। तो नाश्ता करने के बाद हम और घूमने आए हैं, इस जगह को एक्सप्लोर करने आए हैं। और यहाँ पर जो आपको रूम दिखाई दे रहा है वो हमेशा बुक्ड ही रहता है, तो अगर आप इस तरह के रूम में रहना चाहते हैं जो कि फॉरेस्ट व्यू है, तो आपको काफ़ी पहले से ही बुकिंग करके रखना पड़ेगा। हमारा जो रूम था वो था सिटी व्यू और ये है फॉरेस्ट व्यू। इस होटल का जो USP है वो है यहाँ का व्यू, चाहे वो फॉरेस्ट व्यू हो या फिर सिटी व्यू हो, बहुत ही प्यारा दिखता है यहाँ से। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी शिलोंग आए तो एक बार इस होटल में विज़िट करें। आप रेस्टोरेंट विज़िट कर सकते हैं या फिर अगर आपको रहना है तो ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पर एक दूसरे रेस्टोरेंट या फिर बार में आ गए हैं, तो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ किस तरह का है ये, क्योंकि मॉर्निंग का वक्त था तो अभी ये कम्प्लीटली खुला नहीं था। फिर भी मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसा है सब कुछ। तो गाइस यहाँ का जो एक्चुअली ओनर है उन्हें स्पोर्ट्स और म्यूज़िक का वो बहुत बड़ा फ़ैन है और वो हमेशा चीज़ें कलेक्ट करते रहते हैं। वो ट्रैवल करते हैं अराउंड द वर्ल्ड और वो चीज़ें कलेक्ट करते रहते हैं। यहाँ पर इस बार में इस रेस्टोरेंट में आपको काफ़ी सारे कलेक्शंस आपको दिख जाएंगे। जैसे कि आपको ये पर्सनली साइंड मेसी का जो जर्सी है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा और काफ़ी सारे ऐसे बैंड म्यूज़िक रिलेटेड या फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड काफ़ी सारे सामान है यहाँ पे जो कि पर्सनली साइंड है और बहुत ही वैल्यूएबल है। तो गाइस यहाँ का जो स्टाफ है उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पर काफ़ी सारे फेमस सेलिब्रिटीज़ और पर्सनैलिटीज़ यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर परफॉर्म भी किया है उन्होंने। और यहाँ के जो ऑनर है उन्होंने अपने उन सेलिब्रिटीज़ से काफ़ी सारे पर्सनली साइन चीज़ें भी यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। तो लास्टली मैं आपको यहाँ का जो बाहर का व्यू है तो वो दिखा देता हूँ और फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको वीडियो पसंद आया या नहीं आया। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब कर दीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होता है मेरे लिए। और उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोस और दे सकूं। तो गाइस प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है, मैं हज़ार बार बोल ही चुका हूँ, तो एक बार आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं शिलोंग आते वक्त। सो गाइस वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, लॉट्स ऑफ लव, बाय।